नमस्कार साथियों, आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कक्षा विमर्श की समझ पर। इस चर्चा का आरंभ हम एक प्रश्न के साथ करते हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में क्या क्या करता है। यदि इस प्रश्न पर आप विचार करें तो आप पाएंगे कि शिक्षक प्रायः अपनी कक्षा में गृह कार्य और कक्षा कार्य की पड़ताल करता है, प्रश्न पूछता है, विद्यार्थियों को निर्देश देता है, कक्षा को पढ़ाने के लिए तैयार करता है और विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए अपनी कक्षा का संचालन करता है। यह वह गतिविधियां हैं जो किसी भी कक्षा में हुआ करती हैं। इन गतिविधियों के दौरान क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया होती है जिसके केंद्र में पाठ्यचर्या के रूप में प्रस्तावित विषय ज्ञान होता है। शिक्षक अपने प्रयत्नों द्वारा, शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों द्वारा एक शिक्षण परिवेश की रचना का कार्य करता है। उसके इस परिवेश में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं, वे भी अपने अनुभवों और विचारों को साझा करते हैं और ये तीनों घटक अर्थात विषय ज्ञान, शिक्षक उसका संदर्भ उसकी पृष्ठभूमि, विद्यार्थी उसका संदर्भ उसकी पृष्ठभूमि और उसके अनुभव मिलकर एक शिक्षण परिवेश की रचना करते हैं। जो ये शिक्षण परिवेश होता है इसकी प्रकृति को, इसमें होने वाले संवाद को पहले से तय नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि हम किसी दिन विशेष, किसी कक्षा विशेष में जिस प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं उसकी कक्षा में कौन कब क्या कैसे बोलेगा। हम इसकी रूपरेखा बना सकते हैं लेकिन इसके बारे में हम अंतिम रूप से कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह निर्धारण कक्षा के रंगमंच पर होने वाले शिक्षण के स्वाभाविक नाटक के बीच में तय होता है, जहां विद्यार्थी अपनी भाषा, अपने अनुभवों के साथ आता है, शिक्षक उनको सुगम करने का कार्य करता है, शिक्षक उनसे बातचीत करता है और इस हिसाब से एक शिक्षा विमर्श की, एक कक्षा विमर्श की रचना होती है। इसे ही हम कक्षा विमर्श की संज्ञा देते हैं, जिसमें कक्षा के भागीदार, शिक्षक, विद्यार्थियों के बाद के बीच की बातचीत और अंतःक्रिया शामिल होती है। किसी भी विषय को समझने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को समझने के लिए, शिक्षण शास्त्र को समझने के लिए कक्षा विमर्श हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो वस्तुतः यह बताता है कि उस कक्षा में कक्षा के भागीदार किस प्रकार से अपनी बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके बातचीत में क्या निहित होता है, किसे बोलने का मौका मिलता है, किस विषय पर बातचीत होती है। जब कक्षा के भागीदारों को बोलने का मौका मिलता है तो वे इस अवसर का उपयोग कैसे करते हैं, कक्षा में कैसा माहौल विकसित होता है, कक्षा में प्रयुक्त भाषा की प्रकृति कैसी है। यदि आप इन सवालों को देखें तो आप पाएंगे कि हमारे लिए कक्षा विमर्श एक ऐसा वैचारिक स्थल है जहां पर हम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, जहां पर विद्यार्थी अपने पूर्ण अनुभवों के साथ, शिक्षक अपने पूर्ण अनुभवों के साथ विषय ज्ञान के साथ संलग्न होते हुए ज्ञान की सहरचना करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ज्ञान की सहरचना की यह प्रक्रिया इन पांच सवालों के संदर्भ में ही होती है, किसे बोलने का मौका मिला, किस विषय पर मिला, कैसे मिला, जो बोला गया, जो उसका जवाब आया, जो पूछा गया, वह मिलकर किस प्रकार से हमें ज्ञान को निर्मित करने का मौका दे रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारी प्रचलित कक्षा विमर्श का प्रारूप है वह क्या है। इसके इस मामले में बार बार साहित्य में एक शब्द सुनने को मिलता है, आईआरई या आईआरएफ प्रारूप। यह प्रारूप का क्या तात्पर्य है, इस प्रारूप के अंतर्गत आई का तात्पर्य है इनिशिएशन, अर्थात शिक्षक सवाल पूछता है। उदाहरण के लिए शिक्षक कहता है, कपास की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी उपयुक्त तो होती है। आर रिस्पॉन्स, विद्यार्थी जवाब देता है, विद्यार्थी क्या जवाब देता है, काली मिट्टी। ई शिक्षक विद्यार्थी के जवाब का मूल्यांकन करता है और उसे प्रतिपुष्टि देता है, जैसे शिक्षक कहता है बहुत अच्छा। आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार के संवाद में शिक्षक द्वारा एक बातचीत आरंभ की जाती है और मूल्यांकन के साथ समाप्त होती है। आगे चल के मूल्यांकन के आधार पर यह कहा गया कि मूल्यांकन यदि न किया जाए, बच्चे को फीडबैक दिया जाए तो संवाद कक्षा में सस्टेन कर सकता है, इस तरह की कुछ बातें आई। लेकिन यह जो आईआरई मॉडल है या आईआरएफ मॉडल है, इसकी अनेक आधारों पर आलोचना हुई और ये कहा गया कि इस आधार पर जब आप क्लासरूम डिस्कोर्स को समझेंगे तो कुछ समस्याएं आती हैं। वो क्या समस्याएं आती हैं? इसमें यह स्पष्ट है कि शिक्षक कक्षा के विषय को नियंत्रित करता है, शिक्षक यह भी निर्धारित करता है कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, और शिक्षक ही कक्षा का अधिनायक होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की कक्षा में जहां पर आईआरई मॉडल बहुत ज्यादा
प्रिवेल करता है, बहुत ज्यादा उपस्थित होता है, वहाँ विद्यार्थियों की वॉयस, उनकी एजेंसी कमजोर हो जाती है और उनके द्वारा हस्तक्षेप करने, उनके द्वारा ज्ञान निर्माण का अवसर सीमित होने लगता है। इसलिए आप पाएंगे कि इस प्रकार के माहौल में कक्षा यांत्रिक और नीरस हो जाती है। बच्चे केवल एक स्वर में उत्तर देते हैं और उनका अनुभव तो क्लास में कहीं शामिल ही नहीं होने पाता है। तो इस प्रकार के कक्षा विमर्श की रचना का हम प्रायः प्रयत्न नहीं करते और हम उपेक्षा करते हैं कि कक्षा विमर्श इस प्रकार का निर्मित ना हो। यदि इस प्रकार का निर्मित ना हो तो कक्षा विमर्श कैसा निर्मित होना चाहिए, आइए इस पर विचार करते हैं। इसके लिए जो पहला है, इसके जो फीचर है या जो इसका घटक है, वह है कि हमें कक्षा में संवाद की युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद की युक्तियों से हमारा क्या तात्पर्य है? संवाद की युक्तियों से हमारा तात्पर्य यह है, शिक्षक विद्यार्थियों को बोलने, प्रश्न पूछने और उत्तर देने का अवसर उपलब्ध कराए। वह इस प्रकार का माहौल तैयार करे कि वह एक गत्यात्मक हो और अभिप्रेरित करने वाला हो। वहाँ पर विषय और गतिविधियों का ऐसा तालमेल हो जहाँ पर प्रत्येक ज्ञान निर्माता उस कक्षा को अपना समझ सके और अपनी भागीदारी से उसकी गुणवत्ता को समृद्ध कर सके। इसका एक लक्षण, एक विशेषता यह भी होती है कि आप विद्यार्थियों के दैनंदिन ज्ञान और विषय ज्ञान को जोड़ने का अवसर दें, उन्हें अपनी भाषा में अपने अनुभवों को, अपने अवलोकनों को, अपनी कहानियों को, अपने स्कूल के बाहर के परिवेश के साथ जो घटनाएं हैं उनको व्यक्त करने का मौका मिले। जब ऐसे व्यक्त करने का मौका मिलता है तो कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है। इस बीच शिक्षक प्रायः प्रश्न पूछकर कक्षा के संवाद को संपोषित करने का कार्य करते हैं। हम अभी देखेंगे कि मैं जिस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण युक्ति है। कक्षा में शिक्षक दो तरीके के प्रश्न पूछते हैं, एक होता है प्रकाशन प्रश्न, एक होता है निर्देशात्मक प्रश्न। आइए इस पर विचार करते हैं कि क्या है और इनका महत्व क्या है। जो प्रकाशन प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर होता है, प्रायः एक शब्द या एक वाक्य में दे दिए जाते हैं। इनका उत्तर विद्यार्थियों को मालूम होता है, कोई खास चिंतन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है और प्रायः ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए स्मृति का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आम का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, यह इस तरह के प्रश्नों के उदाहरण है। इसका उपयोग हम कब करते हैं? सही और तथ्यात्मक उत्तर जानने के लिए, सीखी सूचना की पुनरावृत्ति के लिए, विद्यार्थियों को फीडबैक देने के लिए और कक्षा प्रबंधन के लिए। दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं निर्देशात्मक प्रश्न, रेफरेंशियल क्वेश्चंस। ये प्रश्न ओपन एंडेड होते हैं, विद्यार्थियों को अपने विचार और अर्थ अभिव्यक्त करने का मौका देते हैं। इनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, इनमें अनुभव परक और प्रयोगात्मक उत्तर होते हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि मनरेगा योजना ने गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। ऐसा ही एक उदाहरण हो सकता है कि मृदा प्रदूषण को रोकने के क्या संभावित उपाय हो सकते हैं। आप देखेंगे कि निर्देशात्मक प्रश्न हमें विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा में शामिल करने, उन्हें मुक्त रूप से सोचने, अपने विचार को परिष्कृत करने और व्यक्त करने का मौका दे रहे हैं। आप ये देखेंगे कि निर्देशात्मक प्रश्न विचारों को विस्तार पूर्वक व्यक्त करने का मौका देते हैं, कक्षा में चर्चा का माहौल बनाने का अवसर प्रदान करते हैं, विद्यार्थियों की संप्रेषण कुशलता का विकास करते हैं, उनमें विषय की शब्दावली और भाषा के अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हैं और सृजनात्मक चिंतन को भी बढ़ावा देने में ये सहयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि हम कक्षा में प्रश्न का उपयोग कब कब करते हैं। एक शिक्षक पाठ के आरंभ, विस्तार और समेकन में प्रश्नों का सहयोग लेता है। इसके माध्यम से अपने पाठ को आगे बढ़ाता है। प्रश्नों के माध्यम से वह विद्यार्थियों की भागीदारी को सुगम करता है, वह उन्हें बोलने का अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षक ध्यान रखता है कि उसकी कक्षा में केवल चयनात्मक भागीदारी ना हो, सभी बोले, सभी उस डिस्कशन का हिस्सा बने और उस डिस्कशन से सीखें। उनकी चिंतन प्रक्रिया और अभ्यास के संबंध को वह मजबूत करता है। अब जो मैंने आपको बताया, प्रकाशन प्रश्न और निर्देशात्मक प्रश्न, दोनों ही प्रकार के प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और शिक्षक सुविधा अनुसार बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए इनका उपयोग करता रहता है। प्रश्नों के अलावा कक्षा विमर्श के दो अन्य घटक भी होते हैं, वेट टाइम। वेट टाइम का तात्पर्य यह है कि शिक्षक विद्यार्थियों को जवाब देने के लिए समय देता है और शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति। आइए थोड़ा विचार करते हैं कि ये दोनों घटक किस प्रकार से कक्षा विमर्श की रचना में मदद करते हैं। जो ये प्रतीक्षा समय है, शिक्षक जब कक्षा से किसी प्रश्न को पूछता है तो उस पर विचार करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए विद्यार्थियों को आपस में बातचीत करने का एक समय देता है, इसे ही हम वेट टाइम कहते हैं। इस वेट टाइम के कारण उत्तर का विस्तार होता है, विचार प्रधान उत्तर आते हैं,
विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की आदत और सामर्थ्य का भी विस्तार होता है। विद्यार्थियों में आपस में बातचीत, परस्पर संवाद की प्रवृत्ति बढ़ती है और इसके कारण अधिक विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी करने का मौका मिलता है। हम देख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछने की कुशलता है, क्या कक्षा विमर्श की रचना में जो प्रश्नों की भूमिका है, उसकी पूरक भूमिका प्रतीक्षा समय निभा रहा है। जब तक आप प्रतीक्षा समय नहीं देंगे, आप केवल प्रश्न उत्तर करते रहेंगे तो कहीं न कहीं आप IRE मॉडल में फंस जाएंगे। लेकिन जब आप प्रतीक्षा समय देंगे तो वह प्रश्न अपने शिक्षण शास्त्रीय उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। वह प्रश्न विद्यार्थियों की कॉग्निटिव के लिए कॉग्निटिव स्टिमुलस का कार्य करेगा। वह उनमें आपस में भी बातचीत को बढ़ावा देगा। इस कारण से प्रतीक्षा समय हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरा जो घटक है, अध्यापक द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न भी कह सकते हैं, या कई बार अध्यापक पाठ की पुनरावृत्ति भी करने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा दो कार्य किए जाते हैं। शिक्षक कई बार विद्यार्थियों के लिए अपने द्वारा पूछे प्रश्नों की पुनरावृत्ति करते हैं। यदि विद्यार्थियों को शिक्षक की भाषा स्पष्ट नहीं हो रही है या प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है तो शिक्षक उसे पैराफ्रेज करके पूछता है ताकि विद्यार्थी उसके आशय को समझ सके और उत्तर देने के लिए प्रेरित हो सके। कई बार शिक्षक विद्यार्थी जिन सवालों के उत्तर दे हैं उनको अपने शब्दों में कक्षा के सामने पुनः प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा क्या होता है, जब शिक्षक ऐसा करता है तो पहला तो विद्यार्थियों को यह महसूस होता है कि उनका उत्तर सही है, उनके उत्तर को सम्मान मिल रहा है और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। वह अध्यापक उस सवाल को पुनः एक विद्यार्थी के जवाब को जब पूरी कक्षा के सम्मुख उसकी पुनरावृत्ति करता है तो अन्य विद्यार्थियों को स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिलता है कि वे लोग भी कक्षा चर्चा में अपने मत रखें, अपने विचार रखें। इस तरीके से कक्षा में विद्यार्थियों के योगदान को आमंत्रित करने के लिए पुनरावृत्ति की जो तकनीकी अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जाती है वह कक्षा विमर्श को समृद्ध करती है। पुनरावृत्ति के द्वारा वह उनके उत्तर के लिए प्रतिपुष्टि भी दे रहा है। अब हमें देखना यह है कि ये जो प्रतीक्षा समय है और पुनरावृत्ति का जो कार्य है इनके बीच में क्या तालमेल होना चाहिए। हमें कक्षा के विमर्श को छात्र केंद्रित करने के लिए प्रतीक्षा समय बढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थी उस प्रश्न को सुन सके, उस पर विचार कर सके, उनमें आपस में बातचीत कर सके। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम किसी एक ही विद्यार्थी के जवाब के बाद चर्चा को बंद ना करें। हम उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उस सवाल को पुनः कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करें। कक्षा के अधिकतर विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करने के लिए भी हमें प्रतीक्षा समय का महत्व समझना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति को अपेक्षाकृत कम रखना चाहिए। पुनरावृत्ति को कम रखने से मेरा आशय यह है, यदि आप बार बार एक ही प्रश्न को दोहराते रहेंगे या बार बार विद्यार्थियों की कही बात को दोहराते रहेंगे तो इससे कक्षा में एक निरस्ता का माहौल बनता है। कक्षा में जिज्ञासा बनी रहे, कक्षा में नए उद्दीप करने वाले सवाल आते रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रतीक्षा समय को बढ़ाएं और पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति को, अर्थात अपने सवाल को दोहराने, अपनी कही बात को दोहराने या विद्यार्थियों की कही बात, विद्यार्थियों के सवाल को दोहराने का कम प्रयत्न करें। इस प्रकार से हमारी कक्षा में एक सकारात्मक माहौल बनेगा जहां शिक्षक ऐसी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर रहा है जो उसे अधिनायकवादी व्यवस्था से मुक्त कर रही है और कक्षा को बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित बनाने का कार्य कर रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि क्लासरूम डिस्कोर्स की जो हमने समझ विकसित की, कक्षा में विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच होने वाली बातचीत और संवाद को हम कक्षा विमर्श की अवधारणा के रूप समझ सकते हैं। इसके आधार पे जो अध्यापक सवाल पूछता है, जो सवाल का जवाब देने का विद्यार्थियों को अवसर देता है, सवाल का जवाब देने के लिए विद्यार्थियों को जो संकेत करता है और इस प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा की चर्चा में शामिल करके ज्ञान की संरचना का माहौल बनाता है, वह कक्षा विमर्श को हमारे सुदृढ़ करने का कार्य करता है। विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, उनके अनुभव और विचारों को कक्षा में स्थान देता है, कक्षा को लोकतांत्रिक बनाता है और इस सब के साथ कक्षा के विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्ति का मौका देता है। उन्हें अपनी भाषा, उन्हें अपनी अस्मिता, उन्हें अपने विषय ज्ञान पर का यह बोध होता है कि वह महत्वपूर्ण है, वह उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसे स्वीकारा जा रहा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इन बातों को संज्ञान में लेकर हम अपना शिक्षण कार्य करें और अपने शिक्षण को विद्यार्थियों के हित में, अपने व्यावसायिक हित में, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें।
उम्मीद करता हूँ कि चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।